अरे भैया कचौरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भैया, इस प्लेट में दीजिएगा। इस प्लेट में हम नहीं देंगे, हम तो प्लास्टिक में ही देंगे, बाद में आप इसमें डाल लेना। अरे भैया प्लास्टिक बचाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। अरे भैया एक प्लास्टिक बचा के क्या ही होगा। एक प्लास्टिक नहीं, 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है, पता है आपको? ये कहाँ लिखा है? CPCB मतलब द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, उन्होंने एक नया सर्कुलर निकाला है जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है जिसकी यूटिलिटी कम हो पर वो बहुत ही ज्यादा फैलाया जा रहा हो। भैया ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। चलिए तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें कोई भी दोहराय नहीं है कि प्लास्टिक आज हमारे प्लेनेट के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, बट लोग आज भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तभी इंडिया में हर साल 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। 2021 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में पिछले 5 सालों में प्लास्टिक वेस्ट का प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया है। वेस्ट प्रोडक्शन हर साल 21.8% के एवरेज रेट से बढ़ रहा है। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के हिसाब से पूरा वर्ल्ड हर साल 300 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 14 मिलियन टन हर साल ओशंस में जाता जा रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि हमारी कंट्री ने वेस्ट को कम करने के लिए 30 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की सिर्फ सेलिंग ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल सब पे बैन लगाया गया है। बैन हुए आइटम्स की लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसमें फर्स्ट है प्लास्टिक स्टिक्स। प्लास्टिक स्टिक कई चीजों में यूज होता है, जैसे कि प्लास्टिक ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक जो बैलून या फ्लैग में यूज होते हैं, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स अगर वो प्लास्टिक की बनी हो, इन सब पे बैन लगाया गया है। सेकेंड है कटलरी आइटम्स। स्ट्रीट फूड में यूज हो रहे प्लास्टिक कटलरी आइटम्स, जैसे कि प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, फोक्स, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉज, सब पे बैन लगा दिया गया है। तो स्ट्रीट फूड में से माइक्रोप्लास्टिक का स्वाद अब गायब हो जाएगा, राइट? थर्ड, पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म्स। आपने कई स्वीट शॉप्स पे देखा होगा कि लोग स्वीट बॉक्सेस को प्लास्टिक रैपर से रैप कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनविटेशन कार्ड्स और इवन सिगरेट पैक्स पे भी जो रैपर लगता है, उन सब पे भी बैन लगाया गया है। इससे मेजर प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है। फोर्थ है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का सिंपल मतलब है थर्माकोल। यस, तो थर्माकोल की प्लेट जिसमें हम छोले कुलचे एंजॉय करते थे और वो थर्माकोल के कप्स जिसमें हम कॉफी पिया करते थे, वो सब भी अब बैन कर दिया गया है। फिफ्थ है प्लास्टिक एंड PVC बैनर्स। वाटर पाउचेस, प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक कोटेड कैरी बैग्स, PVC वाले बैनर्स जिसके माइक्रोन्स 100 से कम है, और स्टरर्स, इन सब पे भी बैन लगाया गया है, क्योंकि इनका प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये स्टेप सुनने में स्ट्रिक्ट लगता है, पर कहीं ना कहीं ये स्टेप काफी जरूरी था और हमें एज अ सिटीजन इस स्टेप को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक के बैन होते ही ये सारा भार पेपर या वुड पे आ जाएगा और फिर इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा।